नमस्कार, शुभ संध्या। मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जिसका नाम अब मैंने बदलकर विधिक जागरण मंच कर दिया है, क्योंकि वो YouTube में खोजने में आप लोगों को समस्या हो रही थी। मैंने भी कई बार ट्राई करके देखा तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने नाम बदल के विधिक जागरण मंच कर दिया है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो समाज का सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है, वो है SC ST जो एक्ट है, उसको लेकर के, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो, चाहे सामाजिक गलियारा हो, चाहे शैक्षणिक गलियारा हो, हर गलियारे में इसको लेकर के चर्चाएं हमेशा गर्म रहती हैं और एक हमेशा एक ऐसी विवादित स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इस पर लोगों के मत नहीं मिलते हैं। और ऐसे में न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के मतों में भी मतभेद होता है, उसको लेकर के हम कई बार वीडियो बना चुके हैं। इसके पूर्व में भी हमने SC ST को लेकर के, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश था, उस निर्देश को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की भी वीडियो SC ST एक्ट में जो मामले दर्ज होते हैं, उन मामलों को लेकर के है कि ऐसे मामलों में कब और कहाँ तक, जो समझौता होने के बाद मामले की समापन है, मामले को समाप्त किया जाए, ये कब तक संभव है, इस विषय को लेकर के हम आज इस वीडियो में हैं। तो इससे पहले कि मैं इस विषय को आरंभ करूं, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करिए, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी से खुश हों, संतुष्ट हों, तो वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि से वंचित ना रहे, विधि सबके लिए सुलभ हो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। आइए विषय आज का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अभी सोमवार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आप लोगों को जैसे देखिए सेक्शन CRPC के सेक्शन 482, जिसमें कि क्वेश्चनिंग ऑफ FIR जो कि इनहेरेंट पावर की बात करता है हाई कोर्ट्स की, उसके बारे में कई बार जो है इस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, उसको लेकर के मैंने कई बार CRPC के सेक्शन 482 पे वीडियो बनाए हैं, और इनहेरेंट पावर क्या होती है इसको लेकर के भी मैंने उस वीडियो में आपको बात की है कि इनहेरेंट पावर क्या होती है और इनहेरेंट पावर में क्या क्या अधिकार होते हैं। तो इसी इनहेरेंट पावर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह कही कि दोस्तों, ये दरअसल ये मामला था उत्तर प्रदेश का। इस उत्तर प्रदेश के मामले में एक व्यक्ति को, जिसने एक SC ST कैटेगरी के व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों से कहा था, और जिसको उसने अपमान माना था, और SC ST एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत और धारा 14 के अंतर्गत उसको उसने उसके अगेंस्ट में FIR किया, और SC ST स्पेशल कोर्ट ने उनको, जो ट्रायल कोर्ट थी, उनको 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना, ऐसा सज़ा सुनाई, और जिसके अगेंस्ट में वो जा करके हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में इसलिए गए क्योंकि जैसे जब सज़ा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने, तो जो दोनों पक्षकार थे, उन दोनों पक्षकारों का जो मतभेद था वो वैचारिक में बदल गया, मतलब दोनों के जो जिस बात को लेकर के विवाद था वो विवाद सुलट गया, और दोनों ने एक समझौतानामा तैयार किया, दोनों लोगों ने आपसी सहमति से एक सहमति पत्र तैयार किया, और नोटरी जिसे बोलते हैं आप लोग, एफिडेविट पर, और उसको ले जा करके हाई कोर्ट में ये सेक्शन 482 IPC के तहत, CRPC के तहत सॉरी, ये मांग की कि क्योंकि हम लोगों के मध्य में अब समझौता हो गया है, तो जो सज़ा है, जितनी सज़ा तो भोग लिए ठीक है, जो सज़ा बची है उसको माफ़ कर दी जाए, क्योंकि अब मामले में समझौता हो गया है और दोनों पार्टी अब राजी हैं कि किसी को सजा ना हो, या दूसरा पार्टी इस बात को लेकर के राजी है कि हमारा जो अपमान हुआ था हमने उसके लिए इनको क्षमा कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा SC ST जो है स्पेशल एक्ट है और इसमें CRPC के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। SC ST एक्ट जो है ये क्या बोलते हैं, दंडात्मक विधि होने के साथ साथ प्रक्रियात्मक विधि भी है, पिनल लॉज एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। तो जो प्रोसीजर है, जो इस संहिता में लिखा गया है, जो इस एक्ट में लिखा गया है, उसी के थ्रू जो धारा 16 और धारा 24 और धारा 28 के अंतर्गत जो अपील के प्रोविजंस हैं, उसी के अंतर्गत कार्य होंगे। IPC या CRPC का कोई भी ऐसा अनुबंध जो है विशेष रूप से इस पर प्रभावी नहीं होगा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने इस बात को एकदम कोट किया कि चाहे वो किसी भी एक्ट का मामला हो, स्पेशल एक्ट का मामला हो या जनरल एक्ट का मामला हो, किसी भी एक्ट के मामले में अगर
वाद के किसी भी समय, वो वाद की संस्थिति से लेकर एफआईआर होने से लेकर के निर्णय होने के बाद तक, सजा होने के बाद तक किसी भी समय, जब पार्टी, दोनों पार्टियां इस बात को लेकर के राजी हो जाएं कि अब उनके मध्य में आपस में कोई विवाद नहीं रह गया है और वो इस विवाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, तो हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि वो हर एक्ट में ऐसा निर्णय ले सकती है कि वो उस मामले को वहीं रद्द करे और उस व्यक्ति को छोड़ा जाए जेल से और उसकी सज़ा को क्षमा किया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने के लिए उसको सज़ा दी जा रही थी वो व्यक्ति ही अब नहीं चाहता है कि उसको सज़ा मिले। तो भारत में ये एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी है और नैसर्गिक न्याय के तहत तो इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया गया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये SC ST एक्ट को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अगर क्या होता है कभी कभी कि एक जनरल या OBC का लड़का है, एक SC ST का लड़का है, उन दोनों आपस में दोस्त होते हैं, कुछ कहा सुनी हो गई दोस्तों के बीच में, आपस में उस व्यक्ति को बुरी लग गई, उस बच्चे को बुरी लग जाती है, वो बुरी लगने के बाद आप देखते होंगे कि वो जाता है अपने घर पे बताता है, अपने उस सर्किल को बताता है, तो फिर उनको ये लगता है कि नहीं वो जानबूझ करके उस सोसाइटी में आपको बेइज्जत करने के लिए ऐसा शब्द कहा होगा, तो इस जिसे बोलते हैं आप मिथ्या विपदेशन में आकर के वो जो है FIR करा देता है। लेकिन जब बाद में उसको ये एहसास होता है कि नहीं वास्तव में उसका उद्देश्य उसको अपमानित करना नहीं था, वो हंसी मजाक का माहौल था, ऐसे में हो गया है, तो उस स्थिति में फिर उसको ग्लानि महसूस होती है। तो इस ग्लानि में, ताकि वो आजीवन ग्लानि में ही ना रहे, उस ग्लानि को उसको अनुभव हुआ, तो उस अनुभव के आधार पर उस व्यक्ति को सजा से मुक्त किया जाना चाहिए जिस व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया है, जिस वास्तव में जिसका अपराध करने का उसका आशय ही नहीं था, क्योंकि IPC भी ये कहती है कि बिना आशय के कोई अपराध गठित नहीं हो सकता है, बिना आशय के केवल दुर्घटना हो सकती है, अपराध नहीं। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए इस SC ST एक्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये विशिष्ट टिप्पणी की है, विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं। तो ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर कोई आप हमारे समाज में कोई हमारा भाई बंधु SC ST एक्ट के मामले में है, जेल में है या उसकी सुनवाई चल रही है, और ऐसी स्थिति में जिस बंधु से उसका झगड़ा हुआ है, जिस या जिस बंधु ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, वो बंधु जो है उससे समझौता करना चाहता है, तो उस समझौते के आधार पर कोर्ट की प्रोसीडिंग वहीं रुक जाएगी, उसको सजा हुआ है तो उसकी सजा कैंसिल हो जाएगी और उस व्यक्ति को रिहा किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे अन्य इंटरेस्टिंग जो कहानियाँ, सॉरी जो लॉ से रिलेटेड जानकारी है, उसको लेकर के हम आपके मध्य आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए, नमस्कार।